नमस्कार दोस्तों, आपका 8 बजे का क्लास शुरू हो गया है। आज आप लोग देखेंगे सर्वसमिका पर आधारित क्वेश्चन। जी माफ़ करिएगा, 8 बजे नहीं, 7 बजे जो क्लास होती है जीरो लेवल मैथ। तो इसमें पिछली क्लास में आप लोगों ने गुणनखंड देखा हुआ था, गुणनखंड के पहले अपवर्त देखा हुआ था, और ये आप देखते हैं जो क्लास होती है आपकी आ गया। हाँ, 3 दिन आपकी कक्षा 7 की गणित होती है, 3 दिन कक्षा 4 की होती है। तो पहले सप्ताह में 3 दिन यानी सोमवार मंगलवार कक्षा 4 की होती है और अगले 3 दिन 7 की होती है। तो आज आप देखेंगे क्लास 7 की मैथ, जो कि कल के टॉपिक से बिल्कुल हटके होगा, है ना। तो ये क्लास 7 की मैथ आप देख रहे हैं। और याद रखें, हर दिन शाम को 7 बजे से क्लास होती है। अगर नहीं मिलती है तो आप लोग कमेंट करें या फिर नंबरों पर संपर्क करें। देखिए, जो ये सवाल दिया गया इसमें कोई एक ऑप्शन सही है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए। आप लोगों ने ये सभी सर्वसमिकाएं पढ़ा होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल क्यूब, ये सब होता है ना, याद है इसमें से a माइनस बी क्यूब। ये सभी सर्वसमिकाएं कहलाती हैं, जो कि मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती हैं, मतलब 8 सर्वसमिकाएं होती हैं। इन्हीं पर आधारित ये सभी सवाल होंगे, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तो सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर अगर देखें आप, तो एक बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी, जो ये सवाल है वो 5 + x 5 - x ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप का है ना। तो इसमें पहले प्लस वाला हम कर देते हैं, बाद में माइनस वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये होता है इतना। इसी में हम इस मान को ला करके रख देंगे, 5 + x और ये 5 - x हो जाएगा, है ना। तो जहाँ जहाँ a है इसमें 5 है, जहाँ b है इसमें क्या है, x है। तो a की जगह पर 5 रख देंगे, यानी कि 5 की घात 3, और ये 3 होता है, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। और देखिए अब क्या होगा, इसकी घात 2 होगी, क्योंकि स्क्वायर होता क्यूब नहीं होता है, और ये x का स्क्वायर कुल मिलाकर के फाइनल में ये 25 हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये गलत है, ये सही है, जल्दी से लिख लीजिए या वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपका ये सवाल कन्फर्म हो जाए। इसी तरह का एक सवाल और भी देंगे, उसको आप सभी लोग कर लेंगे और करने के बाद तुरंत फटाफट कमेंट करेंगे जो लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड नंबर, ये है x माइनस 7 और x प्लस 7, इसका जो मान आएगा, पहला आएगा 49 - x, दूसरा आएगा 49 - x का स्क्वायर, और तीसरा आएगा x का स्क्वायर माइनस 49, चौथा आएगा x माइनस 49। इसमें से जल्दी से बताइए, चारों में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए, आप लोग बताइए कौन सा सही है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, देखिए इसमें अगर आप देखेंगे सेम टू सेम उसी रूल पे चलेंगे तो इसमें भी वैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाता है ए माइनस बी और ए प्लस बी ना। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये चाहे तो हम माइनस वाला पहले लिखें प्लस वाला बाद या इसको पहले बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम टू सेम वैसे। जैसे 3 का गुणा 2 में करते हैं तो 6 आता है, और 2 का गुणा 3 में करते हैं तो भी क्या आता है, 6 ही आता है। तो इस तरह से इसको चाहे पहले कर दें चाहे इसको कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए मान रख देते हैं फटाफट, किसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 आ गया, ये भी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है ना। तो जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे सवाल पे हम लोग चलते हैं, जो कि कुछ अलग होगा, थोड़ा सा हट करके होगा, इससे थोड़ा कठिन होगा। देखिए इसको नोट करिए जल्दी से, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, 2x + 3
और 2x-3। देखिए ये थोड़ा सा अलग है, दिमाग अगर आप लोग लगाएंगे तो आ जाएगा। 2x+3 और 2x-3 का मान क्या आएगा, सर्वसमिका की सहायता से बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 6 में भी है, 5 में भी है, इस तरह के सवाल लगभग 6 से होते हैं शुरू। पहला ऑप्शन है आपका 2x-9, दूसरा ऑप्शन है 2x²-9² तीसरा ऑप्शन है आपका 4x²-9 का स्क्वायर, और अगला ऑप्शन है आपका 4x²-9। देखिए इसी में से कोई एक सही है, ए बी सी डी ई में से जो भी है कौन सा सही है जल्दी से बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताएं फटाफट। देखिए जैसे सीरियल में ये दिया है वैसे सीरियल में हम रखेंगे, जो पहले दिया है इसका मतलब वो ए का मान है, जो बाद में दिया है वो बी का मान है, और इसमें भी वैसे दिया है। तो सिंपल में ये फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, a+ba-b इक्वल a²-b²। चाहे तो हम इसको पहले लिख दें, ये पूरा बाद में लिखें या उसको पहले लिखें, मतलब एक ही होता है। तो हमारे पास ये चीज़ दिया है, इसका मतलब ये दिया है, तो मान क्या निकालना है, उधर वाला पार्ट का निकालना है। तो चलिए जहाँ जहाँ पर a है वहाँ क्या रखेंगे, देखिए इसके नीचे इसको हम सेटअप कर लेते हैं, 2x+3 2x-3 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये 2x की जगह पे क्या है, इसमें a है, और ये 3 की जगह क्या है, b है। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2x, b की जगह पे क्या रखेंगे, 3, तो ये हो जाएगा 2x²-3² 2x² मतलब हो जाएगा 4x², 3x² का मतलब हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी राइट है, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, और फिर हम लोग बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देख रहे हैं कक्षा 7 की गणित NCERT पैटर्न पर आधारित, और समय होगा हर दिन शाम को 7 बजे से, तो अवश्य देखिए प्रत्येक दिन, और क्लास को जल्दी से लाइक करें। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, 4x+2y और 4x-2y इसका मान निकालिए और उत्तर की जांच कीजिए। यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, देखिए उत्तर की जांच का मतलब ये होता है कि जो आपने सवाल किया वो सवाल सही लगा है या फिर आपने गलत लगाया है। तो चलिए हम लोग पहले हल करेंगे, उसके बाद फिर जांच भी करेंगे कि सही है कि गलत है, मतलब खुद ही स्टूडेंट बनना है और खुद ही टीचर भी बनना है, खुद लगा करके खुद ही उसको जांच भी करना है। सवाल क्या बोला गया, लिखा आपने, नहीं लिखा, अच्छा किया। 4x+2y और 4x-2y, 4x+2y और 4x-2y का मान ज्ञात कीजिए, जल्दी से आप लोग भी लिखिए, जो लोग ऑनलाइन देखते हैं वो लोग भी कॉपी पेन लेके बैठा करें। पर डे क्लास शाम 7 बजे से होती है, 8 बजे से होती है, 6 बजे से भी होती है, 9:30 बजे से भी होती है, 10 बजे से भी होती है, यानी शाम 6 बजे से रात्रि 11-12 बजे तक लगातार क्लास होती है। अगला देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें कह रहा है एक और भी, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो उत्तर की जांच कीजिए। तो चलिए पहले हल करते हैं फिर उत्तर की जांच करेंगे बाद में। तो हल इसका जो हो जाएगा वो क्या आएगा, पहले तो आप लोग सिंपल में बताइए और फिर हम लोग जांच पड़ताल करेंगे इसमें। देखिए पहला ऑप्शन है 16x²-4y, दूसरा है 16x²-4y², अगला है 16x-4y, और एक इसमें है नॉन ऑफ दीज। हाँ तो इसमें से बताइए कोई ऑप्शन में से कौन सा सही है, बस होगा या नहीं होगा, कितना आएगा। देखिए जो चीज़ छूट रहा है वो आपको दिखा दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हुआ करें कि आपको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है।
तो परेशान क्यों हो रहे हैं अगर नहीं है तो? उसमें नॉन ऑफ दीज का भी तो ऑप्शन दिया है ना। हाँ, तो जरूरी थोड़ी है कि इसमें स्क्वायर होगा, ये गलत होती गलत किसमें होगा। तो कौन कह रहा है कि आप उसी को लगाइए? इसमें ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दीज, तो आप उसको लगा दीजिए ना। अब ये थोड़ी कहेंगे क्वेश्चन गलत लिखा है, अब तो उसमें दिया है जो दिया ही है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हम सिंपल रूल पे चलेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो रखते हैं मान फटाफट, ए की जगह पर रखेंगे 4x, बी की जगह पर रखेंगे 2i, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2i और ये 4x माइनस 2i। जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर 4x है, जहाँ बी है वहाँ क्या है 2i है, तो इधर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए आप, तेज से बोलिए। बस वाई टू नहीं, 2i2। अब देखिए इसी को हल कर लेंगे, जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा, तो ये 4 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4y2। इस तरह से आंसर आएगा 16x2 माइनस 4y2। देखिए इसमें उत्तर आ भी तो रहा है, आप परेशान हो रहे थे ना। ऑप्शन नंबर बी सही है ना? कोई कंफ्यूजन है क्या? तो इसको क्यों सही कर रहे थे, एक ही ऑप्शन देखना चाहिए क्या? सब थोड़ी सही होगा, हो गया ना। आगे चलें, देखिए ये हो गया, लेकिन अभी इतने से ही इससे छुटकारा नहीं, अभी इसमें उत्तर की जांच भी करना है कि ये जो आया है सही है कि गलत है। इसकी जांच पड़ताल करेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो जांच कीजिए। तो चलिए जांच करते हैं, मान रखिए जल्दी से जो दिया गया उसमें, और फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? देखिए इसको आगे हल करेंगे इसमें, और फिर तब समझ में आएगा। चलिए इसके उत्तर की जांच करते हैं, देखिए जो उत्तर आया है, हम लोग पहले उत्तर को लिखेंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस तो फिलहाल है ही, लेकिन आप लोगों को छोटा दिखने लगेगा अगर हम थोड़ा कैमरा जूम नहीं करेंगे तो, इसलिए उत्तर लिख लीजिए, फिर इसकी हम जाँच पड़ताल करते हैं कि सही है कि नहीं सही है। देखिए उत्तर जो आया है इसको याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर हम मिटा देने वाले हैं। उत्तर आया था 16x2 माइनस 4y2। अब ये सही है कि नहीं सही है इसकी चलिए जांच करते हैं। देखिए इसमें कौन सी जांच होगी, आप लोग मान रख के हल करेंगे, यहाँ पे CBI जांच नहीं होगा। देखिए मान कैसे रखेंगे, जो इसमें कहा है x का मान और y का मान, तो चलिए रख देते हैं 16x2 माइनस 4y2। x की जगह पर 2 रखना है तो 16 वैसे रहेगा, यक्स स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 वैसे रहेगा। देखिए 4 एक तरह ऐसे बनाते हैं, एक तरह ऐसे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ देखिए दूसरी तरह बना है, ठीक। तो वाई का मान क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, आप 16 वैसे रखेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और माइनस ये 4, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, 16 चौका 64 माइनस ये 4 इक्वल कितना आ गया, 60 ना। लेकिन ये इतने से ही अभी कुछ पता नहीं चलेगा ये सही है गलत है, क्यों? क्योंकि इसके पहले भी और कुछ तो था, देखिए ये सवाल ऐसे बना था लगाते समय, इसको हम इधर साइड में लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ध्यान दीजिएगा ये उत्तर आ चुका है, सिद्ध भी हो चुका है, लेकिन ये टोटल सवाल ऐसे था 4x माइनस 2i, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इतना आया था, है ना, ये अकेला ही तो अधूरा लिखा ना इतना, तो इधर 60 आया, इधर भी 60 आना चाहिए। चलिए रखते हैं 4 गुड़ा x का मान 2, ये हो जाएगा प्लस 2 गुड़ा y का मान 1, 4 गुड़ा 2 माइनस 2 गुड़ा 1, देखिए यहाँ थोड़ा छोटा हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 एक कम 2, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, ये 4 दूना 8 और 8 माइनस 2 कितना आएगा 6, है ना, 10 6 कितना आएगा 60। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है, LHS इक्वल RHS लिख दीजिए, हैंस प्रूव दिस आंसर इज राइट, मतलब कि आंसर क्या है, करेक्ट है, सही है, राइट है, जो भी समझे। अगर दोनों पक्ष बराबर ना आता तो इसका मतलब ये गलत था,
अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच बोल सकते हैं, नहीं तो फटाफट छाप लीजिए जैसे है, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग थोड़ा हाथ बढ़ाएं, जल्दी जल्दी से लिखिए। देखिए आपका वो सवाल पूरा हो चुका है, आप लोगों का जो बहुत दिन से इंतजार था अंग्रेजी की क्लास का, सर आपके आ चुके हैं, आपकी जीरो लेवल की अंग्रेजी की क्लास 25 अप्रैल से शुरू होगी। टाइमिंग आप सभी को बता दिया जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अभी अगली क्लास आप लोग देखेंगे, एक वीडियो में सर आपको इंट्रोडक्शन देंगे, देख लीजिएगा उसमें। और जिन लोगों को कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स करना है वो लोग क्लास ज्वाइन कर लेंगे, और जिनको कंप्लीट नहीं करना है बाकी जो भी क्लास यूट्यूब पर मिलती रहेगी उसे देखते रहेंगे। जी बिल्कुल, इंग्लिश की क्लास आप लोग जैसे सेम टू सेम जीरो लेवल मैथ की क्लास देखते हैं कक्षा एक से लेकर के और 10 तक की मैथ, उसी तरह से बिल्कुल शुरू से इंग्लिश शुरू होगी। आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तब भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी देख चुके हैं, और जो लोग नए नए जुड़े हैं अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, या फिर ये नंबर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस नंबर पे भी आप JOIN ज्वाइन लिख कर भेज सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, कृपया इस क्लास को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा। और फिर आपकी अगली क्लास होगी जो आप लोग जानते हैं 8 बजे से होगी ना अगली क्लास, जी हाँ, ट्रिकी मैथ की क्लास होगी, NTPC, CTET, SSC और जेल वार्डन जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, 8 बजे वाली क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी कि मास्टर क्लास होती है, तो अवश्य देखिएगा रात्रि 8 बजे से, 9:30 बजे से DLED और 10 बजे से भी DLED की दूसरी क्लास, और 10:30 बजे से आपका होगा पर्यावरण जो कि CTET के लिए स्पेशल। थैंक यू।